आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं प्रभजीत सिंह। पंजाब के प्राइवेट बस परमिटों के केस में आज यानी कि 16 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन बिना किसी सुनवाई के ही अगली तारीख डाल दी गई है और अब इसकी सुनवाई 30 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि पहले भी दो बार ऐसा हो चुका है, चाहे हम बात कर लें 2 नवंबर की या फिर 10 अक्टूबर की जो तारीख इस केस में डाली गई थी, तब भी बिना किसी सुनवाई के ही अगली तारीख दे दी गई थी। लगातार 3 बार ऐसा हुआ है कि बिना सुनवाई के अगली तारीख दे दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस केस की जो डिवीजन बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत जी का प्रमोशन के बाद उनका तबादला शिमला हाईकोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस कर दिया गया था और उसके बाद उनकी जगह ली जस्टिस महेश ग्रोवर जी ने और अब इस केस को जस्टिस सुदीप आलूवालिया और जस्टिस महेश ग्रोवर जी का डिवीजन बेंच देख रहा है और वही इसकी अगली सुनवाई करेगा। साल 2012 में विजन ट्रेवल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आया था उसको लागू करवाने के लिए ये केस चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये केस थोड़ा लंबा खिंचता नजर आ रहा है क्योंकि 3 बार ऐसा हो गया है कि बिना किसी सुनवाई के ही अगली तारीख दे दी जाती है। तो अभी 30 नवंबर को इस केस में क्या होगा, इसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, अगर इसकी सुनवाई होती है तो उसमें क्या होता है, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले खबर देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।